गूगल पे जाकर के गूगल पे सर्च करना है सरकारी जल डॉट इन, तो मैं लिख लेता हूँ। सरकारी जल डॉट इन लिखने के बाद सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अगला जो इंटरफेस खुलेगा, अगला इंटरफेस खुलने के बाद जो ये देखिए आप लोगों को दिख रहा है सरकारी रिजल्ट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद थोड़ा इशू प्रॉब्लम है, उस पर क्लिक करने के बाद अगला इंटरफेस जो मेरा खुलेगा वो सीधे आपको जो मतलब कि GTS का जो ऑनलाइन जो वेबसाइट है वो सीधे उस पर लेके जाएगा। मैं दिखा रहा हूँ आपको, जूम करके आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियन पोस्ट GTS लिखा हुआ था, उस पर क्लिक करेंगे। अब क्लिक करने के बाद थोड़ा इशू प्रॉब्लम है, मैं बता दूं कि कुछ दिन पहले ये फॉर्म फिलअप हुआ था बट वैकेंसी ख़त्म हो जाने के कारण नहीं हो पाया, तो अब फिर से उसी को रीओपन किया गया है और फिर से उसी में वैकेंसी आए 1940 पर आए हुए हैं, उसको मतलब कि अब आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों को अगर करना है तो देखिए खुल गया इंटरफेस, और इंटरफेस ये खुल जाने के बाद नीचे आएंगे। नीचे जाने के बाद जो लोग मतलब कि पहले से कैंडिडेट्स लॉगिन हैं और जो पहले से रजिस्टर आए मतलब कि रजिस्ट्रेशन नंबर जिसको मिल चुका है वो यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे, जैसे मैंने क्लिक किया वहाँ पे क्लिक करेंगे तो मेरा अगला इंटरफेस जो खुलेगा, नेटवर्क इशू है, अगला इंटरफेस जो मेरा खुल रहा है आप लोग देख सकते हैं, थोड़ा नेटवर्क इशू है इसीलिए थोड़ा वो वेट करवा रहा है, नेटवर्क नहीं पकड़ती ना इसीलिए, देख सकते हैं आप लोग खुल रही है, सॉरी नेटवर्क इशू है। खुलने के बाद ऐसा इंटरफेस आएगा, तो ऐसा इंटरफेस आएगा इसमें देखो मैं जूम करके बता रहा हूँ, पहले बोल रहा है इंटर रजिस्ट्रेशन नंबर और सेलेक्ट साइकिल, तो पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मैं देख लेता हूँ कि रजिस्ट्रेशन नंबर मेरा इंटर मतलब कि जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर आया होगा, तो ये देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर आया हुआ है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद कॉपी कर लेने के बाद यहाँ पे पेस्ट करना है, पेस्ट नहीं हुआ सॉरी, ये आवर रिजल्ट वो दूसरा कुछ हो गया, फिर से मैं लिख लेता हूँ, ऐसे नहीं हो पा रहा है कॉपी, आप लोग नहीं होगा तो लिख लीजिएगा, जैसे कि मैं लिख रहा हूँ मेरा रजिस्ट्रेशन आईडी है तो मैं एक बार देख लूँ क्या क्या है, देख लीजिए अब डाल दूँगा, जैसे कि मैं फिलअप कर रहा हूँ ऐसे ही आप लोग का भी होगा, आप लोग का भी आया होगा और थोड़ा इसमें अंतर होगा तो आप लोग भी ऐसे कर लीजिएगा। और डाल करके थोड़ा मुश्किल हो जाता है याद करना, इसीलिए थोड़ा देख देख के कर रहे हैं, तो अब देखिए मैं कर रहा हूँ, तो अब डाल लिया मैंने, अब नीचे आकर के साइकिल पे क्लिक करके बिहार ओपन करेंगे, आप जहाँ से भी उसको ओपन उस पर क्लिक कीजिएगा, उसके बाद सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद अगला जो इंटरफेस देखिए OTP का ऑप्शन आया है, OTP इंटर जिसका जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP गया होगा, तो OTP करके मैं देख लेता हूँ, OTP मैंने देख लिया और OTP को कैप्चर कर लेता हूँ, कैप्चर करने के बाद नेक्स्ट कर दूँगा। नेक्स्ट करने के बाद जो मेरा अगला जो इंटरफेस आएगा ये ऐसा खुल करके आएगा, जिसमें आप अपना मतलब कि एड्रेस डाल सकते हैं, घर का एड्रेस जो भी एड्रेस है वो आपका एड्रेस डाल मैं डाल देता हूँ, घर का एड्रेस स्ट्रीट में डाल लीजिएगा, मतलब कि जो आपका लोकेशन है वो डाल लीजिएगा, तो मैं डाल लिया, और विलेज सिटी है विलेज लिखा हुआ है तो सिटी सॉरी वो गलत हो गया था, पहले वो डाल दूँ मैं, और सिटी एंड विलेज लिखा हुआ है तो विलेज जहाँ पे मेरा है वहाँ पे मैं क्लिक कर दूँगा, और क्लिक करने के बाद मेरा डिस्ट्रिक्ट जो है मैं डिस्ट्रिक्ट को डाल देता हूँ, और उसके नीचे जो है मेरा पिन कोड मांग रहा है तो मैं पिन कोड को डाल देता हूँ, मेरा पिन कोड 84 33 29 है तो मैं वो डाल देता हूँ, और परमानेंट एड्रेस मेरा मैं यही परमानेंट एड्रेस है मैं तो इस पर क्लिक कर देता हूँ, और क्लिक करने के बाद नीचे आऊँगा मैं, नीचे देखिए मतलब कि जैसे कि बता रहा है कि मैं कौन सी मतलब कि बोर्ड से पास हुआ हूँ, तो मैं BSEB बोर्ड से 500 से पास हुआ हूँ, तो वो डाल करके और नीचे का जो आ गया मार्क्स में डालने के लिए बोल रहा है तो मैं मार्क्स डाल दूँगा, क्लिक करने के बाद अब मार्क्स में डालूँगा, तो मार्क्स में डाल देता हूँ फटाफट वो मैं आपको दिखाऊँगा नहीं मार्क्स कि मेरा कितना आया हुआ है, क्योंकि मेरा थोड़ा कम आया हुआ है तो इसलिए मैं दिखा नहीं सकता आप लोगों को। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं कि यहाँ पे फ़ोटो डालने के लिए कह रहा है और एक सिग्नेचर भी डालने के लिए कह रहा है, सेकेंड नंबर पे जो है और अपलोड करने के लिए 10 10
10 क्लास का मार्कशीट या सर्टिफिकेट जो भी हो वो डाल दीजिएगा, और ये 3 ऑप्शन है जो छोड़ दीजिएगा, और ये सबसे अंतिम ऑप्शन जो है अपलोड कंप्यूटर सर्टिफिकेट का, ये आप डालिए अभी छोड़ दीजिए, लेकिन वो आगे चल के आपको डालना पड़ेगा। और ये डालने के बाद ये सब पे क्लिक कर दीजिएगा, और क्लिक करने के बाद मैं सबसे पहले क्लिक कर देता हूँ इसे, क्लिक करने के बाद यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे।